इकोनॉमी के जो रियल जिन फैक्टर्स पे, जिन चीजों पर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, उसकी हालत क्या है। आज हर सेक्टर बार बार, एक एक बार उद्योगपति आकर के कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, आपका टेक्सटाइल सेक्टर, आपके जितने भी कारें बनाने वाले वो एक एक करके कह चुके हैं, और अब तो साइकिल वाले भी कह रहे हैं कि हमारी भी साइकिल नहीं बिक रही है। बिस्किट वाले तो कह ही रहे हैं। तो आखिरकार ये अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, और राष्ट्रवाद के नाम पर कब तक ढकेंगे इन चीजों को? राष्ट्रवाद के चोले से ढक ले रहे हैं। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जीडीपी में, पहले दूसरे मुल्क थोड़ा बहुत अपने आंकड़ों में हेरा फेरी करते थे, लेकिन इधर भारत भी अपने आंकड़ों में हेरा फेरी कर रहा है। क्या जो सरकार बता रही है क्या वही ग्रोथ रेट है? और फिर अगर हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाना चाहती है, तो मैं सरकार से ही जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि 2.5 साल में आपको बचे हुए समय में हर साल कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा जिससे आप उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी इकोनॉमी कर दें? क्यों धोखा दे रहे हैं आप? आपको किसी ने बता दिया, आपने पढ़ दिया, आपने कह दिया? केवल मैं सरकार से और आप सब के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की इतने ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है तो सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होना चाहिए जिसकी वजह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 2012 में, उसके तहत उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट हुआ, जो इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री लगाई यहां पर, उन्हें कंसेशन मिला, उन्हें जो पॉलिसी के तहत सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो सहूलियत दी है। हम सरकार से जानना चाहते हैं 2017 के बाद आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, आप मुझे बताइए कि आपने कितने इंडस्ट्रियल लोगों को वो सहूलियत दी है जो आपकी पॉलिसी के तहत सहूलियत मिलनी चाहिए थी। आप दूसरों के काम अपना काम नहीं कह सकते। एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो, वही चेहरे वही लोग, ऑफ इन्वेस्टमेंट कागज पे तो दिखा रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 2012 के बाद जो पॉलिसी बनी थी उसमें जो कंसेशन मिले थे इंडस्ट्रियल हाउसेस को, क्या 2017 जो आपकी बनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके तहत कुछ इंडस्ट्री हाउसेस को आपने कंसेशन दिया है कि नहीं दिया है? इसका जवाब कौन देगा? और फिर नौकरी के आंकड़े, आप जैसा चाहते वैसा बोलने लगते, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 70 लाख। कम से कम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बताएं कि आप कितनी नौकरी और कितने रोजगार देने जा रहे हैं आप।